हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक यम्मी यम्मी शाम का नाश्ता। तो इसके लिए मम्मी अभी यहाँ पर देखिए आटा और पानी को गूंद रही है। और गूंदने के बाद ये देखिए इसको ऐसे लंबे लंबे कर टुकड़े कर इसे छोटे छोटे पीस में चाकू से हम काट लेंगे। तो ऐसे करके हम अब इसे रेडी करेंगे। उसके बाद हम इसको गर्म पानी में छोड़ देंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। और गाइस, ये देखिए यहाँ पर हमने सब्जियाँ काट ली है, आलू, टमाटर और इधर पर एक गाजर और अदरक। और गाइस, हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। तो अभी इस तेल पर हमने दे दिया थोड़ा नमक ताकि ये सब्ज़ी जले ना। और हम ये सब्ज़ी डालने के बाद एक जो छिटक कर आता है ना तेल, तो वो नहीं आएगा। और इधर पे देखिए, ये हमने जो बनाया था वो हमने अच्छे से बॉईल कर लिया। तो अभी इस पर हम एक एक करके सभी सब्ज़ियाँ दे देंगे। तो अभी दे दिया है इस पर अदरक, और अभी हमने इस पर दे दिया आलू जो हमने लंबे लंबे करके काट के रखे थे। अभी दिया है गाजर, और उसके बाद हम जो टमाटर है वो दे देंगे। तो अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गाइस, अभी हम इस पर सारे मसाले दे देंगे। यहाँ पर हमने दे दिया है हल्दी, और अभी दिया है मिर्ची पाउडर, अभी हमने दिया है जीरा पाउडर, और उसके बाद नमक दिया है। तो अभी ये सब मसाले को अच्छे से इसके साथ मिलाएंगे और इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, देखिए हमने यहाँ पर ये जो हमने बॉईल करके रखा था इसको अभी दे दिया है और थोड़ी देर इसको फ्राई किया है। तो उसके बाद हमने धनिया पत्ता दे दिया है ऊपर से। तो इसको बीच बीच में नड़ाना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा, ठीक है? तो इसे हिलाते रहिए, नहीं तो ये लग जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस पर आप 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और थोड़ा चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर ले लिया है, तो अभी हम सब खाएंगे। कैसा बनाए? अच्छा, तो चलो अभी अब ऐसे रिव्यू लेती हूँ। कैसा बना? अच्छा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना। अच्छा, चलो खा लो एक बार। तो गाइस, अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।